हाँ देखो आप सभी लोग कक्षा 10 में क्या एक्सरसाइज 5.2 है का सभी एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 3 है, क्या लिखा है, दिया है हमारा एपी, एपी दिया गया है, एपी क्या है 2, 7, 12 डॉट का दसवां पद ज्ञात करना है, का दसवां पद ज्ञात करना है, कीजिए दसवां पद ज्ञात कीजिए। अब आप सभी के सभी लोग भैया बाबू इधर देखो, ठीक है, यंगमा पद अगर हमारा ए पी है जो है, इधर देखो आप, ए ए वन ए टू ए थ्री हाँ ए ए है, ठीक है, ए ए वन ए है डॉट 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 क्या है लास्ट पद क्या है ए एन कौन सा ए एन, ठीक है, तो यहाँ देखो आप मैंने ए एनवा पद है, ठीक। अब इसे जब हम लिखते हैं व्यापक रूप में तो क्या होता है, ए ए प्लस डी ए लिखते हो ना, और फिर ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ध्यान देना ये कौन सा पद है, एनवा पद है, ये कौन सा पद है, इसे हम क्या लिखते हैं, यहाँ टी एन लिखो या ए एन लिखो, ठीक है, टी एन लिखो या ए एन लिखो, इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए क्या है, ए क्या है, व्हाट इज ए, ए क्या है प्रथम पद, ए क्या है प्रथम पद, प्रथम पद, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, क्या है नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, ठीक है, और डी क्या है बाबूजी सार्वंतर, ठीक, कॉमन डिफरेंस, क्या है कॉमन, ये मालूम हो बाबू, ये फार्मूला। यहाँ दसवां पद बोला है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सवाल उतार लो, आप एपी को नोट कर लो, एपी क्या है आपका 2, 7, 12 हमें नहीं पता, लेकिन क्या ये प्रथम पद मालूम है आपको, नहीं, यानी प्रथम पद ध्यान देना, प्रथम पद ए बराबर कितना है दो, भैया सात बंद ए टू माइनस ए वन क्या होगा बाबू, सात माइनस दो बराबर कितना आएगा, और ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू क्या बाबू, 12 माइनस 7 कितना होगा, ये हमारा क्या कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर, सार्व अंतर, ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या होता है ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ठीक है, बराबर कितना आया हमारा 5। अब कौन सा पद बोला है दसवां पद, कौन सा पद बोला है दसवां पद, बोला क्या टी टेन लिखो या ए टेन लिखो, ठीक है, बात समझ में आया, जो सुविधा आपको, ठीक है, ए प्लस यहाँ बोले फार्मूला लिख लीजिए, दसवां पद ए बराबर क्या होता है, पहला काम फार्मूला लिखना आपका, पहले आप फार्मूला लिख लो, यनवा पद कौन सा पद, ठीक बाबू, देखो यनवा पद यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी आपने लिख लिया। अब यहाँ कौन सा दिया, एन बराबर कितना दिया है 10, एन बराबर कितना है बाबू, ठीक, अब यहाँ क्या होगा दसवां पद, यहाँ लिख दीजिए दसवां पद यानी ए टेन इज इक्वल टू ए के एन कितना है दो, और एन कितना है माइनस वन, डी कितना है 5। भैया समझ में आ रहा है बाबू, न आए फिर से पूछना, 10 बार पूछना, 2+ अब 10 में से एक गया कितना बचा, 9 गुणते हैं 5 तो कितना होगा भैया 45 बार भाई वाह, कितना गया आपका दसवां पद कितना आया, अतः दसवां पद यहाँ लिख लो आप बराबर, यहाँ पद है लड़के, ठीक है 47 आया समझ भैया कि नहीं बाबू, नोट करो आप लोग जल्दी फटाफट फटाफट अपना।